साहब मैं सरकार का नौकर हूँ बल्कि इनका नहीं। जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि लाइव इंडिया हर पल नहीं करता, लेकिन इसे देखकर और सुनकर आप इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो जो है पशुपालन विभाग के जब कार्यक्रम था पटना के दीघा में, तब मजिस्ट्रेट साहब ने महिला सिपाही कर्मी से यानी महिला पुलिसकर्मी से पानी क्या मांग दी। आग बबूले होकर गुस्से में आकर महिला पुलिसकर्मी ने खरी खोटी सुना दी और कहने लगी, मैं आपका नौकर नहीं बल्कि सरकार का नौकर हूँ। पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि आखिर मजिस्ट्रेट साहब को पानी मांगना महिला पुलिसकर्मी से महंगा पड़ गया, किस तरीके से आग बबूले हो गई और गुस्से में आकर खड़ी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ कह रही है। पहले पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। तो हम पिला देते हैं, आप मांगते तो मैं भी दे देता। आप कौन हिसाब से मांगे कि पानी दो? पानी मैंने कहा जरा पानी दे दो, इतना बात नहीं बोल सकते हम अपने जवाब से। क्या हुआ, इतना बात नहीं कर सकते? क्या इसमें क्या दिक्कत होगी? मीटर से पानी मांगा जाता है? कहां से पानी लाके बोले हम? अरे कहीं नहीं, हम ले लेंगे यार, इतना पानी मीटर से मांगा जाता है? जवाब तलब कर रहे हैं, जवाब मैं कहा कि सुन के मुंह के चलिए, इस पर ये तकलीफ का बात है। सही बात बोल, पानी तो दुश्मन को पिलाया जाता है। मैं तो फिर भी आपके साथ मैं शेख हूँ आपका, मैं अगर पानी बोलता हूँ, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर जाता हूँ। मैं अभी 4 दिन घाट पे था। नहीं, गलत बात है ना, आप इसके बाद मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं। सुनिए ना सर, अभी आप 4 दिन पहले का बता रहे हैं, अभी का बात कर रहे हैं, क्या बात कर, छोड़िए ना। चलिए सर, चलिए, आप जा रहे हैं, 4 दिन पहले का बोल रहे हैं, चलिए। आप आदमी को ये गलत तरीका कल भर पटना से आते, अभी नाश्ता पास चाय पूछे थे किसी को? नाश्ता नहीं किया नाश्ता कर रहा है, पूछा कर के हो रहे तुम लोग खाया पिया ना, पानी तो आपने देखा किस तरीके से पटना के दीघा में जब पशुपालन विभाग का कार्यक्रम था, उस दौरान काफी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे जो महिला सिपाही भी थी, और सीधे तौर पर महिला सिपाही ने मजिस्ट्रेट को आंख दिखाते हुए गुस्से में आकर कह दिया कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ। आप खुद चपर चपर खा रहे हैं नाश्ता, लेकिन हम लोगों के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, पानी मैं क्यों दूंगा आपको? मजिस्ट्रेट साहब ने सफाई देते हुए पुलिसकर्मियों को कहा कि मैं कोई भी हमसे पानी मांगता है तो मैं पानी पिला देता हूँ। मैं छठ के समय में भी कितने लोगों को पानी पिलाया हूँ, ज़रूरत पड़ा तो आप लोगों के लिए भी पानी लाया हूँ। जब मैंने पानी मांग दी तो क्या गुनाह कर दिया? ऐसे भी आम तौर पर पानी मांग कर या पानी पिलाने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है? क्या मजिस्ट्रेट साहब को मांगनी चाहिए थी महिला पुलिस से पानी, या महिला पुलिसकर्मी ने जो जिस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब को जवाब दिया, या क्या उचित है? इसको लेकर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि हम पुलिस अधिकारी से बात करेंगे और इस पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करवाएंगे। अब देखना होगा कि वरीय पुलिस अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।